हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। तो की हाल चाल, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है सच में, क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग कर रहा है। जैसे कि आपको भी पता है, काफ़ी लोग जेसीबी की खुदाई के पीछे पागल हो रहे हैं, और मुझे भी लगता है कि जेसीबी को खुदाई करते वक्त देखना काफ़ी सेटिस्फाई होता है। तो कमेंट में बताएं कि आपने भी कभी जेसीबी को खुदाई करते वक्त देखा हो। तो वैसे ये काफ़ी यूजलेस और टाइम वेस्ट है, लेकिन मैं इस टाइम वेस्ट और यूजलेस चीज़ को भी आज काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बनाने वाला हूँ, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेसीबी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो शायद ही आप जानते हों। तो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए बेल आइकन के साथ। तो वेलकम टू ऑटो फिक्शन। तो शुरू करते हैं ऐसे 10 फैक्ट्स जेसीबी के बारे में जो शायद ही आप जानते हों। फैक्ट नंबर 1, व्हाट डज जेसीबी मींस। जेसीबी एक ब्रिटिश मल्टीनेशनल कंपनी है जो एक्सकवेटर्स और कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाली मशीन बनाती है, और इनकी 300 से भी ज़्यादा टाइप्स की मशीन्स हैं, जिसमें डिगर्स, एक्सकवेटर्स, बुलडोजर्स, ट्रैक्टर्स और डीजल इंजन आते हैं। और जेसीबी की फुल फॉर्म है जेसी बैमफोर्ड एक्सकवेटर्स लिमिटेड, जिसमें जेसी का मतलब है जोसेफ साइरिल, जो जेसीबी के फाउंडर का नाम है जोसेफ साइरिल बैमफोर्ड। और यूके, इंडिया और आयरलैंड जैसी कंट्रीज में लोग बाग जेसीबी को एक कंपनी से ज्यादा बुलडोजर और डिगर से डिनोट करते हैं, जैसे सेम टूथपेस्ट के साथ होता है। अगर किसी शॉप से हम टूथपेस्ट लेने जाएं तो ज्यादातर लोग वहां जाके कोलगेट ही बोलते हैं, भले ही उन्हें किसी और ब्रांड का टूथपेस्ट चाहिए हो। और ऐसे ही सेम जेसीबी को बुलडोजर से डिनोट करा जाता है, जबकि जेसीबी एक ब्रांड है जो 1945 में स्टार्ट हुआ था। जेसीबी की पूरे वर्ल्ड में 22 फैक्ट्रीज हैं, जो एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में हैं, और इनके प्रोडक्ट्स 150 देशों में बिकते हैं। फैक्ट नंबर 2, वर्ल्ड फर्स्ट बुलडोजर और बैकहो लोडर। तो जेसीबी की खुदाई जो इतनी फेमस है, क्या आपको पता है इसकी सबसे पहली प्रोडक्शन कब हुई थी? तो बुलडोजर और डिगर का इंडस्ट्री नेम है बैकहो लोडर, और ये सबसे पहले जेसीबी ने 1953 में इंट्रोड्यूस करी थी, और ये जब से ब्रांड का लीडर बना हुआ है। और यहाँ तक कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी जेसीबी का मतलब ये बता रखा है, अ टाइप ऑफ मैकेनिकल एक्सकवेटर विद अ शॉवल एट द फ्रंट एंड अ डिगिंग आर्म एट द रियर, मतलब एक मशीन जिसमें एक बड़ा करछा या फिर फावड़ा जैसा सामने लगा होता है, जो मिट्टी को कलेक्ट और उठाने के काम आता है, और पीछे के ओर एक खोदने के लिए बकेट आर्म होती है। तो इसे ही जेसीबी या बैकहो लोडर कहते हैं। फैक्ट नंबर 3, फर्स्ट फास्टेस्ट ट्रैक्टर बाय जेसीबी। जैसे आपको मैंने बताया कि जेसीबी बुलडोजर के अलावा भी और भी मशीन्स बनाती है, तो जेसीबी ने सबसे पहला हाई स्पीड ट्रैक्टर डेवलप करा था, जिसका नाम था फास्ट ट्रैक, जो इस तरह डिजाइन करा गया था कि वो नॉर्मल ट्रैक्टर्स की तरह सारे काम भी कर सके और साथ में रोड्स पर तेज रफ्तार से दौड़ भी सके। जेसीबी फास्ट ट्रैक ट्रैक्टर 65 किलोमीटर यानी 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा सकता है, जिसने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं, लेकिन 2015 में इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया गया और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में एक नए ट्रैक्टर का नाम आ गया, जिसका नाम है वल्ट्रा टी 234, जो 130 किलोमीटर पर आर की स्पीड अचीव कर लेता है, और ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ट्रैक्टर बन चुका है 2015 में। फैक्ट नंबर 4, जेसीबी चेयरमैन शेयर्स हिज बर्थडे विद जेसीबी। जिस दिन जोसेफ साइरिल बैमफोर्ड ने अपने बिजनेस की शुरुआत करी थी, तो उसी सेम दिन उनके बेटे एंथनी बैमफोर्ड का जन्म भी हुआ था, और सर एंथनी बैमफोर्ड इस समय जेसी बैमफोर्ड एक्सकवेटर्स लिमिटेड के चेयरमैन हैं, जो अपना बर्थडे और कंपनी का बर्थडे एक साथ बनाते हैं। फैक्ट नंबर 5, जेसीबी फर्स्ट कमर्शियल हिट। जेसीबी कंपनी की शुरुआत 1947 में हुई थी, और 1948 तक जेसीबी के अंदर सिर्फ 6 एम्प्लॉई थे, और उन्होंने कंपनी के लिए एक हाइड्रोलिक मशीन बनाने पर जोर दिया, और उन्होंने यूरोप की सबसे पहली हाइड्रोलिक टिपिंग ट्रेलर या ट्रैक्टर बनाया, जिसमें एक हाइड्रोलिक आर्म थी फ्रंट में सामान उठाने के लिए। तो इस तरह एक हाइड्रोलिक आर्म ट्रैक्टर डेवलप हुआ, जिसे जेसीबी ने इसका नाम साइड्रोलिक नाम दिया, और ये जेसीबी का सबसे पहला कमर्शियल हिट था। फैक्ट नंबर 6, फर्स्ट प्रोडक्ट टू कैरी अ जेसीबी लोगो। सबसे पहला प्रोडक्ट जेसीबी का जिसमें उनका जेसीबी वाला लोगो था, वो था बैकहो लोडर, जो 1953 में आया था, जिसे आज सब जेसीबी के नाम से जानते हैं, मतलब बैकहो लोडर को ही इस वक्त सब जेसीबी कहते हैं।
फैक्ट नंबर 7, जेसीबी 3C मशीन। 1960 में जेसीबी ने फेमस 3C मशीन को इंट्रोड्यूस करा, जिसके सक्सेसर ही हैं सब आज के बैकहो लोडर और बुलडोजर और जेसीबी, जिनसे खुदाई होती है और ये उस जमाने में बहुत सेल हुआ। जेसीबी ने 30,000 यूनिट सोल्ड कर दिए थे इसके 1964 तक। और उस टाइम जेसीबी के ओनर जोसेफ साइरिल बैमफोर्ड खुद जाते थे जेसीबी को लेकर, जो उसे खरीदता था, जिसे कस्टमर रिलेशनशिप बहुत तगड़ा बना और रातों रात जेसीबी 3C हिट हो गया। फैक्ट नंबर 8, जेसीबी डांसिंग। आपने जेसीबी की खुदाई तो देखी होगी, लेकिन क्या आपने जेसीबी को डांस करते हुए देखा है? शायद जेसीबी की खुदाई से अच्छा आपको इसका डांस लगे। तो मिस्टर जेसीबी यानी जिनके फाउंडर जोसेफ साइरिल बैमफोर्ड ने 1960 में जेसीबी डांसिंग और जेसीबी स्टंट्स का ट्रेडिशन स्टार्ट करा था। 1960 में इसमें तरह तरह के स्टंट्स करे जाते थे जेसीबी से इनकी कैपेबिलिटी और पावर दिखाने के लिए, और इसे डांसिंग डिगर शो नाम से भी जाना जाता है, जो कि काफी फेमस भी है जेसीबी की खुदाई की तरह। फैक्ट नंबर 9, व्हाई ऑल जेसीबी कलर इज येल्लो। क्यों सब जेसीबी का कलर येल्लो होता है, क्या आपको पता है? तो इसका रीजन ये है कि इनका कलर येल्लो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की वजह से रखा जाता है, क्योंकि येल्लो कलर एकदम ब्राइट होता है और ये दूर से भी दिख जाता है, और इसी वजह से आपने ज्यादातर कंस्ट्रक्शन मशीन येल्लो कलर में ही देखी होंगी, क्योंकि ये इजिली विजिबल होती है, इसलिए जेसीबी आपको दूर से ही दिख जाती है। फैक्ट नंबर 10, कितनी खुदाई कर सकती है। तो फैक्ट नंबर लास्ट है कि जेसीबी कितनी खुदाई कर सकती है, जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो अगर एक साल में जितनी जेसीबी बैकहो प्रोड्यूस होती हैं, अगर वो एक साथ एक बारी में 1.3 बिलियन टन तक पृथ्वी या मिट्टी उठा सकती हैं, जो 5,20,000 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल भरने के लिए काफी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों में और जेसीबी लवर्स में, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को बेल आइकन के साथ ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए। चलो, मुझे भी जेसीबी की खुदाई देखने जाना है। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।